हिमाचल की बेटी और अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और उनके कार्यालय भवन को असंवैधानिक ढंग से जेसीबी द्वारा गिराने की कार्रवाई के खिलाफ पर मंडी शहर में आज 10 सितंबर 2020 को प्रातः 11 बजे धरना प्रदर्शन किया गया। धरने प्रदर्शन में मंडी के तमाम समाज सेवा संस्थान के लोग मौजूद रहे। धरने प्रदर्शन के बाद ज्ञापन जिला स्तर पर जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति को भेजा गया। कंगना के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाता है, कंगना को संजय रावत के द्वारा कहा जाता है कि संजय रावत बोलता है कंगना मेंटल है, वो उसको गाली देता है कि वो मेंटल है, पागल है, और न जाने किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करता है, हरामखोर हरामखोर जैसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए करता है। मैं कहना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश और भारत देश के अंदर लोकतंत्र में सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को अपने बात को रखने का अधिकार है। जब वो अपनी बात को रखते हैं और निष्पक्ष बात वो रखती हैं तो उनको उनकी बात रखने से रोका जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि कंगना जी ने जिस तरह साहस के साथ अपनी बात सबके सामने रखी, उसको दबाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार और संजय रावत की शिवसेना ने जिस तरह से उनका अपमान किया है, उसकी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश का नौजवान युवा महिला सारी महिलाएं उसका विरोध करती हैं और कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। हम एक मांग करते हैं कि कंगना को उसका अपमान का जो उसका अपना अपमान किया गया, उसका जो ऑफिस तोड़ा गया है, उसका इंसाफ उसे दिया जाए। यदि उसके साथ इंसाफ नहीं होता है तो पूरा हिमाचल प्रदेश यहाँ का युवा वर्ग और यहाँ का नौजवान और महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और आंदोलन करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र की महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी। जय हिंद, जय भारत। कंगना जिंदाबाद।